सब क्या हो रहा है? देवी को लाने में इतना वक्त क्यों लगा रहे हैं लोग? देवी भाग रही है। रुको, अरे तुम मुझे रोक चुरी हो, पिद्दी भाग जाएगी। भागने दो इसे। कभी कभी जब शिकारी के हाथ शिकार लगता है ना, तो शिकारी थोड़ी देर उस शिकार को खेलने देता है। कहां तक भागेगी? जब इसे पकड़ कर लाएंगे ना, तो इसकी भक्ति में वो पागल देवगुरु इसे और कड़ी सजा देंगे। इसका तप और भी मुश्किल कर देंगे। तुम्हारा दिमाग तो बहुत कमाल चलता है। जानती हूँ। देवगुरु, देवी अपने कमरे में नहीं है। देवी अपने कमरे में भी नहीं है? पता नहीं देवगुरु, एकदम से गायब हो गई है। हम उन्हें कब से ढूंढ रहे हैं। कहां जा सकती है? देवी अब ठीक तो है? देवी, देवी आप आश्रम से भाग क्यों रही थी? देवी, देवी को तो बहुत तेज बुखार है, बदन जल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? देवी अपने आप को ऐसी पीड़ा में क्यों डाल रही है? देवी के पैरों में तो छाले पड़ गए। ये ध्यान रखते हो तुम लोग? हाँ, देवी यहां से गई कैसे? हल्दी तो मुझे देवगुरु, रुकिए, आपकी खुद की तबीयत खराब है, कुछ खाया नहीं है, लाइए मैं कर देती हूँ। मेरी ये चाल उल्टी पड़ती दिखाई दे रही है। मैंने क्या सोचकर इस बिद्दी को भागने दिया था, और ये क्या हो रहा है समझ नहीं आ रहा है।
कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर देवी मुझसे बार बार भागने की कोशिश क्यों कर रही है। ऐसा लग रहा है कि मैं देवी का शत्रु हूं। देवी का हर एक कदम, हर एक बिहेवियर मेरी उम्मीदों से उलट क्यों है? Why? अब ये सब कुछ तो लीला नहीं है। कुछ तो ठीक नहीं है। देवी को लेकर जो भी जिज्ञासा होती, जो भी जानना चाहता था जान लेता था। देवी के ही संकेत से तो मैं उन्हें अलाने में सफल हुआ, लेकिन अब देवी को क्या हो गया? वो अपने आप को तकलीफ देकर क्या कहना चाह रही है? सब कुछ समझ के परे होता जा रहा है। देवी को लेकर देवगुरु का डाउट बढ़ता जा रहा है। उनका शक उनका सच नहीं हो सकता। Damn it! ऐसा नहीं होने दूंगी मैं। दरवाजा खोलो। तुम्हें पापा लेने आए। दरवाजा खोलो। ये क्या बोल रही है देवी? कहाँ का दरवाजा बंद है? देवी, देवी। देवगुरु, देवी ने कुछ खाया पिया नहीं है। ऊपर से उन्हें तेज बुखार है। कभी कभी ऐसे में इंसान बड़बड़ाने लगता है। आप खामखा टेंशन ले रहे हैं। थोड़ा रेस्ट करेंगी, खा पी लेंगी तो ठीक हो जाएंगी। देवगुरु, देखिए आप भी थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, कुछ खा पी लीजिए, आपकी भी टेंशन कम हो जाएगी। तुम बार बार वही बोलती रहती हो भाभी। जब तक देवी नहीं खाएगी मैं कैसे खाऊं? देवी ने खाया नहीं ना, तो फिर मैं कैसे खा सकता हूँ? I need answers. देवी अभी तक अपने पिता को क्यों ढूंढ रही? कि पापा तो उन्हें यहाँ छोड़कर हिमालय चले गए थे साधना के लिए। वो लेटर भी तुमने मुझे पढ़ाया था। कुछ तो है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। क्या है वो? अच्छा सर, चल संभाल के जाना। अरे यार, यहाँ पे तो एक से ज्यादा की जगह ही नहीं है, अब क्या करें? किस्मत से ये फ्री की गाड़ी मिली है। एक काम करो, तुम ही चले जाओ अकेले, काहे कि तुम ही कुछ कर पाओगे। मैं यार, तुम लोगों से हिम्मत मिलती है, लेकिन ठीक है फिर मैं जाता हूँ। लेकिन तुम सब अपने अपने भगवान से प्रे करना कि मैं इति को बचा कर ही लाऊं, ठीक है? फिर सब मिलके पार्टी करेंगे। ठीक है, ठीक है। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे दिल और दिमाग के किसी कोने में ये बात शिद्दत से महसूस कर रहा हूं कि शायद मैं गलत कर रहा हूं। इस एहसास से मेरा दम घुट रहा है। क्या
मैं वाकई गलत हूं या देवी मुझे तपस्या के किसी और स्तर पर लेके जाना चाहती है। देवगुरु, देवी को होश आ गया। देवी को भी सिर्फ ताल का पानी देना, जल्दी। चिंता कम नहीं हो रही है। देवगुरु, भावनी, देवी स्थापना की तैयारियां करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों देवगुरु, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देवी को तो होश आ गया है, बहुत जल्द ठीक भी हो जाएंगी। और हो सकता है ना कि ये सब देवी की कोई लीला हो। ये किसी देवी की लीला नहीं है भाभी। मेरा विवेक मुझे बार बार ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि अगर ये देवी नहीं है, कोई सामान्य बच्ची है, तो मैं बहुत बड़ी गलती कर रहा हूं। माँ बाप देखो भाभी, वो कितनी हेल्पलेस लग रही है, कितनी बीमार लग रही है। शायद ये सिर्फ किसी बच्ची का दुख है जो हम उसे दे रहे हैं। देवगुरु, नो इफ्स एंड बट्स भावनी, देवी स्थापना की तैयारियां बंद करो। और जब तक मेरा संदेह नहीं मिटेगा, देवी की स्थापना नहीं होगी। अरे देवगुरु, पगला गए क्या? देवी की स्थापना नहीं करेंगे तो हम क्या डकैती डालें? और देवी की स्थापना से जो करोड़ों का चढ़ावा आने वाला था, उसका क्या? कबीर, तुम मुझे ये बातें क्यों बता रहे हो? क्या मुझे पता नहीं है? अरे मेरी चमचम, कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब करोड़ों का खेल हम देवगुरु की बेवकूफी की वजह से ऐसे ही छोड़ तो नहीं देंगे ना? अपने सपनों की लंका तो नहीं लगा देंगे ना? अब ये बात हमारे करोड़ों रुपए की नहीं है और ना ही हमारे सपनों की। मर्डर किया है तुमने और हमने आश्रम की डोनेशंस का गबन करके अपने बिजनेस में डाला है। अगर ये आस्था का खेल कमजोर पड़ गया तो हम भी कमजोर पड़ जाएंगे, फिर सारे गड़े मुर्दे उखड़ कर बाहर आएंगे। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। आरती को कैसे रखा होगा? उसने कुछ खाया भी होगा या नहीं? पापा हमें डांट भी देते हैं ना, तो हम खाने की तरफ देखते भी नहीं है जब तक वो हमें सॉरी ना बोल दे। अरे किसी पर गुस्सा निकालने का यह मतलब थोड़ी हुआ।
कि गुस्सा अपने खाने पर ही निकालना, खाने पर गुस्सा कभी नहीं करता है, अन्न का अपमान होता है, और खाने के बिना ना तो माइंड चलता है ना बॉडी को एनर्जी मिलती है। मैं मम्मी की पिटाई से भागूंगा कैसे? इसीलिए पहले खाओ फिर गुस्सा दिखाओ। खाओ खाओ मेरे खाओ। अरे सुनो, हम ही लड्डू मंदिर में रख के आते हैं, तुम जाके तो दूसरा काम कर लो। अगली मुझे देवी की स्थापना के बारे में कोई बात नहीं करनी है। अब मेरा मन बेहद विचलित है, मुझे शांति से आरती करने दो।